ट्यूब रोड कॉरपोरेशन में मैं आपका स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। सो आज का टॉपिक है इन्वेस्टमेंट एब्रॉड के बारे में, कंपनी फॉर्मेशन एब्रॉड के बारे में आपको बताऊंगा। इस चैनल में ट्यूब रोज कॉरपोरेशन बिजनेस ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट में मैं आपको दुनिया भर के हर कंट्री के बारे में बता चुका हूँ। आप कैसे डिफरेंट कंट्री को भारत से एक्सपोर्ट कर पाओगे और कैसे आप डिफरेंट कंट्री में अलग अलग देश में जाकर इन्वेस्ट कर पाओगे, कंपनी फॉर्मेशन कर पाओगे और इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्या है इन इंडिया एंड एब्रॉड एंड स्टार्टअप बिजनेस के बारे में काफ़ी सारे वीडियोस में बना चुका हूं और काफ़ी सारे वीडियोस आने वाले दिनों में आपके लिए मैं बनाऊँगा। तो आज का टॉपिक है कंपनी फॉर्मेशन इन आइसलैंड। आइसलैंड के बारे में बताऊँगा। आइसलैंड आपने सुना होगा, आपने पढ़ा होगा भूगोल में, यानी ज्योग्राफी में पढ़ा होगा आइसलैंड कहाँ पर लोकेटेड है। नॉर्वे का जो वेस्टर्न पार्ट में, नॉर्वे का वेस्टर्न पार्ट में जो अटलांटिक ओशन के अंदर बीच में एक देश है आइसलैंड। आइसलैंड के ऊपर मैंने पहले वीडियो बना चुका हूँ, हाउ टू एक्सपोर्ट टू आइसलैंड, कैसे आप आइसलैंड को एक्सपोर्ट करोगे, उसके ऊपर मैं पहले वीडियो बना चुका हूँ। अगर आप मेरे पहले वाले वीडियो देखना चाहते हो तो यूट्यूब का सर्च बार में लिखिए हाउ टू एक्सपोर्ट टू आइसलैंड ट्यूब रोज कॉरपोरेशन, तो आपको मेरे पहले वाले वीडियो आपको दिखाई देगा। तो आप मेरे पहले वाले वीडियो देख सकते हैं। उस वीडियो में मैं आइसलैंड के बारे में काफ़ी डिटेल्स में बता चुका हूँ, आइसलैंड को कैसे आप एक्सपोर्ट करोगे, आइसलैंड से आइसलैंड क्या एक्सपोर्ट करता है, क्या इंपोर्ट करता है और भारत का एक्सपोर्टर्स क्या क्या प्रोडक्ट आइसलैंड को एक्सपोर्ट करते हैं उसके बारे में मैं बता चुका हूँ, और कैसे आपको आइसलैंड से एक्सपोर्ट का ऑर्डर मिलेगा उस बारे में काफ़ी डिटेल्स में आइसलैंड का वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। तो आप यूट्यूब का सर्च बार में हमारा जो यूट्यूब ये जो वीडियो है, यूट्यूब का सर्च बार में लिखिए हाउ टू एक्सपोर्ट टू आइसलैंड ट्यूब रोज कॉरपोरेशन, तो मेरे पहले वाली वीडियो आपको मिल जाएगी। तो पहले वाली वीडियो आप देख सकते हैं या उस वीडियो का लिंक मैंने इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। तो हमारा ऑलवेज हमेशा हर वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिए, तो आपको पुराने वाले वीडियो का लिंक आपको मिल जाएंगे। तो आज का वीडियो है हाउ टू कंपनी फॉर्मेट, हाउ टू फॉर्मेशन योर कंपनी, कैसे आपको कंपनी, आपका कंपनी का फॉर्मेशन, कंपनी का रजिस्ट्रेशन कैसे आप आइसलैंड में करोगे उस बारे में बताऊंगा। अगर आइसलैंड में बिजनेस करने चाहते हो, आइसलैंड में आप जाकर बिजनेस करना चाहते हो, कुछ भी कंपनी खोलना चाहते हो, तो उसके लिए आपको कंपनी फॉर्मेशन करना पड़ेगा, कंपनी रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, उसके लिए क्या प्रोसीजर है उसके बारे में बताऊँगा। आइसलैंड में बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ क्या है, क्या बिजनेस का अपॉर्चुनिटीज़ है, क्या क्या बिजनेस आप वहाँ कर पाओगे, उसके ऊपर मैं एक अलग वीडियो आने वाले दिनों में बनाऊंगा। फिलहाल आज का वीडियो मैं आज खाली आपको बताऊंगा आइसलैंड में अगर कंपनी फॉर्मेशन करते हो तो क्या प्रोसीजर है, ठीक है। और आइसलैंड का जो है पॉपुलेशन है 3,66,000 का पॉपुलेशन है, और आइसलैंड का राजधानी का नाम है रिकजाविक है, उसका और उसका लैंग्वेज है आइसलैंडिक लैंग्वेज में बात करते हैं, और इस देश का जो करेंसी है आइसलैंडिक क्रोना, ठीक है। तो आइसलैंडिक क्रोना उसके बारे में बता दिया। और ये जो आइसलैंड जो है आप मैप में अगर देखोगे नॉर्वे से काफ़ी नज़दीक है, नॉर्वे एंड ग्रीनलैंड के बीच में ओशन अटलांटिक ओशन में लोकेटेड है आइसलैंड। 2007 से पहले आइसलैंड एक गरीब कंट्री माना जाता था और काफ़ी वहाँ पर नेचुरल स्टॉर्म्स वगैरह आता था क्योंकि समुद्र के बीच में है और बहुत सारे वोल्कानोस इस देश में मौजूद है, एक्टिव वोल्कानो बहुत सारे वोल्कानोस यहाँ पर मौजूद है और यहाँ पर लावा भी निकलती है। और यहाँ का जो पॉपुलेशन है 3,66,000 है। 2007 से पहले इस देश को यूरोप का एक गरीब कंट्री माना जाता था। 2007 से लेकर अभी तक आइसलैंड काफ़ी स्ट्रगल किया, इकोनॉमिक उसका काफ़ी आगे बढ़ गया है अभी तक, और उनका जीडीपी भी आगे बढ़ गया है। और आइसलैंड का तीन उनका जो मुख्य मेन एक्सपोर्ट एंड प्रोडक्शन होता है देश में, पहला हो गया उनका टूरिज्म है, टूरिज्म सेक्टर आगे बढ़ा है और टूरिज्म सेक्टर के वजह से आइसलैंड को काफ़ी पैसा मिलता है, फॉरेन करेंसी मिलता है। और सेकंड हो गया उसका आइसलैंड का सेकंड इनकम है फिशिंग, ठीक है। उनका चारों बाजू में समुंदर है और यहाँ का 40% इस देश का 40% एक्सपोर्ट जो होता है फिशिंग दुनिया भर का, ये इस एरिया में आइसलैंड का चारों बाजू जो समुंदर है वहाँ पर अच्छे मच्छी मिलता है, तो यहाँ का लोग
फिशिंग करके मच्छी दुनिया भर को वर्ल्ड वाइड मच्छी यानी फिश एक्सपोर्ट करते हैं और 40% एक्सपोर्ट होता है यहाँ का जो फिश सी फूड मरीन फूड एक्सपोर्ट होता है और इस देश को आइसलैंड को अच्छे खासे फॉरेन करेंसी मिल जाती है। और थर्ड हो गया बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी में भी काफ़ी आगे बढ़ रहा है आइसलैंड और काफ़ी सारे इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ है जैसा कि इंडियन रेस्टोरेंट्स होटल्स एंड गेस्ट हाउसेस एंड आपका हॉस्टल्स में अगर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। आने वाले दिनों में मैं और एक वीडियोस बनाऊंगा आपके लिए कि क्या बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ है आइसलैंड में। तो आइए चलते हैं, आपको मैं बताऊंगा आइसलैंड में अगर आप कंपनी फॉर्मेशन करना चाहते हो तो क्या प्रोसीजर है, कितने टाइप का कंपनी बनता है, कितना खर्चा आएगा और कितना टाइम लगता है। ठीक है, तो आइसलैंड में नॉर्मली 5 टाइप का कंपनी फॉर्मेशन होता है। 5 टाइप्स ऑफ कंपनी यू कैन रजिस्टर इन आइसलैंड। 5 टाइप का कंपनी रजिस्टर होता है आइसलैंड में। और कितने टाइप का सॉरी उन कंपनी का नाम क्या है, डिटेल्स आपको बता रहा हूँ, स्क्रीन में देख लीजिए। तो 5 टाइप का कंपनी है होली फॉरेन ओन्ड LLC यानी LLC कंपनी, फास्ट बिजनेस सेटअप सॉल्यूशन, ठीक है, सेकेंड हो गया बिटकॉइन माइनिंग, थर्ड हो गया बिटकॉइन माइनिंग, फोर्थ हो गया ब्रांच ऑफिस और फिफ्थ हो गया रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस। ठीक है, सो आपको मैं बता दिया 5 कंपनी के बारे में बता दिया। आइसलैंड में 5 टाइप का कंपनी आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। पहले बात करेंगे LLC कंपनी, होली फॉरेन इन्वेस्टमेंट LLC, यानी अगर एक फॉरेनर कोई भी फॉरेनर आइसलैंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो उसको होली फॉरेन इन्वेस्टमेंट LLC कंपनी खोलना पड़ेगा। ये कंपनी में आप 100% ओनर बन पाओगे और 100% ओनर बनकर एज अ फॉरेनर आप कोई भी बिजनेस आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो इन आइसलैंड। ठीक है, होली 100% फॉरेन इन्वेस्टमेंट LLC ये कंपनी, आप कोई भी फॉरेनर एक प्रमोटर या दो प्रमोटर या अनलिमिटेड प्रमोटर फ्रॉम फॉरेन कंट्री या आइसलैंडिक पार्टनर को लेकर आप बना सकते हो, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है, कोई कंपलसरी नहीं है, आप आइसलैंडिक पार्टनर को ले सकते हो या नहीं ले सकते हो। एक या दो प्रमोटर फॉरेनर इंडियन हो या कोई भी फॉरेनर आइसलैंड में जाकर होली फॉरेन इन्वेस्टमेंट 100% LLC कंपनी खोल सकते हो। एक या दो आदमी का ज़रूरत है, एक या दो फॉरेनर या इंडियन डायरेक्टर का ज़रूरत है, ये कंपनी खोल सकते हैं। सेकेंड आ गया आपका फास्ट सॉल्यूशन LLC। ये फास्ट सॉल्यूशन LLC होता है, ये छोटे कंपनी जो आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, जैसे कि आपका कोई दुकान या छोटे मोटे रेस्टोरेंट कैफे वगैरह आप स्टार्ट करना चाहते हो तो आपको फास्ट सॉल्यूशन LLC आप खोल सकते हो। और ग्रोसरी छोटे मोटे सुपरमार्केट वगैरह आप खोलना चाहते हो और जिस बिजनेस में आपको 1, 2, 3, 4, 5 जैसे ज़्यादा लोगों को नौकरी में आप नहीं रख सकते, छोटे मोटे कंपनी खोलना चाहते हो इन आइसलैंड तो फास्ट सॉल्यूशन LLC आप खोल सकते हो। तो थर्ड में आता है बिटकॉइन माइनिंग। बिटकॉइन आपने सुना होगा, बिटकॉइन जो होता है वर्ल्ड में बहुत सारे कंट्री में इलीगल है और बिटकॉइन माइनिंग में आप बिटकॉइन का ट्रेडिंग कर सकते हो, ये बिटकॉइन माइनिंग कंपनी है। और फोर्थ हो गया आपका ब्रांच ऑफिस हो गया। अगर भारत में या कोई भी कंट्री में आपका कोई भी खुद का कंपनी बिजनेस रन हो रहा है और आइसलैंड में आपका खुद का कंपनी स्टार्ट करना आप सोच रहे हो तो आपको ब्रांच ऑफिस खोल सकते हो। तो फॉरेन कंपनी, ब्रांच ऑफिस का मतलब फॉरेन कंपनी है, आपका मेन कंपनी आपका मेन लैंड में रहेगा, आपका खुद का कंट्री में रहेगा, यानी इंडिया में अगर आप इंडिया से हो, इंडिया में आपका खुद का कंपनी बना चुके हो और कंपनी रन हो रहा है, उस कंपनी का नाम पे आप ब्रांच ऑफिस खोल सकते हो आइसलैंड में और वो कहलाएगा फॉरेन 100% फॉरेन कंपनी, उसका ब्रांच ऑफिस है इन आइसलैंड। और इसके लिए एक आदमी एक प्रमोटर का ज़रूरत है जो आपका इंडिया से आप जाकर ये कंपनी खोल सकते हो और फॉरेन यानी आइसलैंड का पार्टनर को लेना ज़रूरत नहीं है। और फिफ्थ कंपनी का नाम हो गया रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस हो गया। अगर आप इंडिया में कंपनी है या कोई भी कंट्री में आपका कंपनी है, छोटा सा रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस आप खोलना चाहते हो इन आइसलैंड फॉर मार्केटिंग एंड रिसर्च, तो आप रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस खोल सकते हो। ठीक है, तो 5 टाइप का कंपनी आप बना सकते हो इन आइसलैंड एज ए फॉरेनर। आपको आइसलैंडिक नेशनलिटी को आइसलैंडिक सिटीजन को आपको पार्टनर लेना जरूरी नहीं है, ये आपके ऊपर है। अगर आप पार्टनर लोगे तो ठीक है, नहीं लोगे तो ठीक है। और LLC कंपनी बता दिया, फास्ट कंपनी जो LLC कंपनी, जितने टाइप का कंपनी बता दिया, फास्ट
100% ओन्ड LLC, सेकंड हो गया फास्ट सॉल्यूशन LLC, थर्ड हो गया बिटकॉइन माइनिंग। ये तीन कंपनी के लिए, अगर तीन कंपनी के लिए एक या दो प्रमोटर का ज़रूरत है, और एक कंपनी बनाने के लिए आपको जो शेयर कैपिटल होता है, कंपनी का जो शेयर कैपिटल होता है 3,500 यूरो आपको कैश चाहिए। ये पैसा को आपको आइसलैंड का कॉरपोरेट बैंक खोलना पड़ेगा, उसमें आपको डिपॉजिट करना पड़ेगा 3,500 यूरो। ये डिपॉजिट करने के बाद बैंक आपको एक सर्टिफिकेट इशू करेगा कि पैसा आपका जमा हो चुका है, और सर्टिफिकेट को लेकर आप मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ट्रेड में, जहां पर सर्टिफिकेट लाइसेंस इशू होता है, रजिस्ट्री में आपको जाना पड़ेगा। फिर आपका लॉ फर्म, आपका लॉयर आपका लाइसेंस के लिए अप्लाई करेगा, ठीक है। प्रोसीजर क्या है, आपको पहला 3,500 यूरो डिपॉजिट करना पड़ेगा इन आइसलैंड का कॉरपोरेट अकाउंट में, आपके लिए कंपनी खोलना पड़ेगा, कंपनी का कॉरपोरेट अकाउंट खोलना पड़ेगा, उस बैंक में 3,500 यूरो डिपॉजिट करना पड़ेगा, और आपका एक बनाना पड़ेगा आपका प्रोफाइल, कंपनी का प्रोफाइल एंड प्रोजेक्ट बनाना पड़ेगा कि आप क्या कंपनी खोलना चाहते हो, और आपका प्रोजेक्ट क्या है, और प्रोजेक्ट क्या है, और आप क्या क्या बिजनेस करना चाहते हो, आपका बिजनेस एक्टिविटीज दिखाना पड़ेगा, और आपका इन्वेस्टमेंट कितना है, और आप कितने लोगों को नौकरी में रखना चाहते हो इन आइसलैंड, आइसलैंड के लोगों को, आइसलैंडिक लोगों को कितने लोगों को आप नौकरी में रख सकते हो, आपका प्रोजेक्ट के वजह से, आपका इन्वेस्टमेंट के वजह से आइसलैंड का लोगों को क्या फ़ायदा होगा, और आइसलैंड का कितने लोगों को नौकरी में आप रख सकते हो, और आप देश को, आइसलैंड का देश को इकोनॉमिकली एंड लोगों को क्या फ़ायदा होगा, पूरा आपको एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाना पड़ेगा। अगर प्रोजेक्ट रिपोर्ट आपको बनाना नहीं आते, आपको आइसलैंड का जो लॉयर है, लॉयर लॉ फर्म को आपको कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा, लॉयर आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाएगा, प्रोजेक्ट रिपोर्ट में आइसलैंडिक लैंग्वेज में बनेगा और इंग्लिश लैंग्वेज में बनेगा, एक इंग्लिश आइसलैंडिक लैंग्वेज में बनेगा। प्रोजेक्ट रिपोर्ट में आपका कंपनी के बारे में लिखा जाएगा, और आपका इन्वेस्टमेंट के बारे में लिखा जाएगा, और आप कितना इन्वेस्टमेंट करोगे, आपका इन्वेस्टमेंट के वजह से आइसलैंड का इकोनॉमी को क्या फ़ायदा हो सकता है, और आइसलैंड का लोगों को कितने लोगों को नौकरी मिल सकता है, फुल टाइम नौकरी मिल सकता है, और आइसलैंड का लोगों को क्या फ़ायदा हो सकता है, पूरी डिटेल्स में एक्सप्लेन होगा इन इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट में, ठीक है। उसके बाद आपका लॉ फर्म, आपका लॉयर वो पेपर को, डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करेगा मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स में, मिनिस्ट्री ऑफ रजिस्ट्री में, मिनिस्ट्री ऑफ ट्रेड में, जहाँ पर आपका लाइसेंस इशू होता है। वो करने के बाद आपका जो इन्वेस्टमेंट है, टोटल इन्वेस्टमेंट, एग्जांपल आपका इन्वेस्टमेंट है 1 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है, वो पैसा को आपका आइसलैंड का कॉरपोरेट अकाउंट में ट्रांसफ़र करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप एक एग्जांपल छोटे ग्रोसरी खोल रहे हो, ग्रोसरी दुकान खोल रहे हो, तो ग्रोसरी का इन्वेस्टमेंट अगर 1 करोड़ होता है, 1 करोड़ होता है, और 1 करोड़ का पैसा आपको 1 करोड़ रुपीज़ आपको आइसलैंड का आपका कॉरपोरेट बैंक अकाउंट में आपको ट्रांसफ़र करना पड़ेगा, आपका खुद का बैंक अकाउंट में। उसके बाद कंपनी रजिस्ट्रेशन का जो शेयर होल्डिंग कॉस्ट है 3,500 यूरो भी आपको डिपॉजिट करना पड़ेगा। ये डिपॉजिट करने के बाद, ट्रांसफ़र करने के बाद बैंक सर्टिफिकेट इशू करेगा कि आपका इन्वेस्टमेंट का पैसा आ चुका है, शेयर कैपिटल का पैसा आ चुका है। वो सर्टिफिकेट लेने के बाद आपका लॉ फर्म, आपका लॉयर ये डॉक्यूमेंट्स को, पूरी डॉक्यूमेंट्स को, आपका प्रोजेक्ट रिपोर्ट, बैंक का सर्टिफिकेट्स, आपका पासपोर्ट कॉपीज, आपका फोटोज, पूरा डॉक्यूमेंट्स को, एंड आपका जो ऑफिस या दुकान का लीज एग्रीमेंट, पूरा डॉक्यूमेंट्स को जाकर रजिस्ट्री में, जहाँ पर रजिस्टर होता है, कंपनी रजिस्ट्रेशन होता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स में, वहाँ डिपॉजिट करेगा। करने के बाद आपका लाइसेंस इशू होगा। ये जो प्रोसेस होता है 1-1.5 महीना का टाइम लगता है, और हर कंपनी के लिए आपका ब्रांच ऑफिस और रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस को छोड़कर तीनों कंपनी, बता दिया, तीनों कंपनी के लिए 3,500 यूरो आपको डिपॉजिट करना पड़ेगा एज ए शेयर कैपिटल, ठीक है। फिर उसके बाद 1-1.5 महीने के अंदर आपका लाइसेंस इशू हो जाएगा, पूरा डॉक्यूमेंट्स इशू हो जाएगा। फिर आपका, आप अगर आइसलैंड में रहकर बिजनेस करना चाहते हो, फिर आपको आपका पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट आपका देश से, हमारा देश से, पासपोर्ट ऑफिस से लेना पड़ेगा। फिर आपको, आपके लिए आपका जो लॉ फर्म है आइसलैंड में, आपके लिए रेजिडेंसी वीज़ा एप्लीकेशन देगा, अप्लाई करेगा। रेजिडेंसी वीज़ा मिलने के बाद आप डॉक्यूमेंट्स आ जाएगी, फिर आइसलैंड का एम्बेसी में, अगर आइसलैंड का एम्बेसी नहीं है तो नॉर्वे जो है, तो नॉर्वे रिस्पॉन्सिबल रहता है आइसलैंड का, जहाँ पर आइसलैंड नहीं है, आइसलैंड का एम्बेसी नहीं है जिस कंट्री में, तो नॉर्वे का एम्बेसी रहेगा, तो नॉर्वे एम्बेसी में आप अप्लाई कर सकते हो आइसलैंड का वीज़ा। फिर आप आइसलैंड में जाकर लॉन्ग टाइम तक रहकर वहाँ बिजनेस कर सकते हो, ठीक है। इसके लिए आपको आइसलैंड का लॉ फर्म को, लॉयर को पावर ऑफ अटॉर्नी देना पड़ेगा। पावर ऑफ अटॉर्नी देने के बाद वो आपके लिए ये सब काम करेगा, ठीक है। और रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस और ब्रांच ऑफिस के लिए आपको डिपॉजिट, जो भी पैसा, शेयर कैपिटल का डिपॉजिट का जरूरत नहीं है, लेकिन आपको ऑफिस लेना पड़ेगा, एक फिजिकली ऑफिस लेना पड़ेगा, लॉन्ग लीज या 1 साल का लीज में लेना पड़ेगा।
और आपका इन्वेस्टमेंट क्या है दिखाना पड़ेगा, क्यों आप ऑफिस खोल रहे हो, इन्वेस्टमेंट क्या है और इन्वेस्टमेंट का जितना टोटल कॉस्ट है आपको डिपॉजिट करना पड़ेगा आपका बैंक में, आइसलैंड का बैंक में, और कितने लोगों को नौकरी रख रहे हो पूरा डिटेल्स में देना पड़ेगा। तो अगर आप वहाँ का लोगों को नौकरी में रख रहे हो और आपका इन्वेस्टमेंट थोड़ा ज़्यादा है फिर आपको वहाँ पर रेसिडेंसी वीज़ा मिलेगा और लाइसेंस भी इशू हो सकता है, ठीक है। क्योंकि यूरोपियन कंट्री आजकल काफ़ी स्ट्रिक्ट हो चुका है, इन्वेस्टमेंट अगर नहीं रहता तो वीज़ा नहीं देते हैं और लाइसेंस भी इशू नहीं कर पाते हो। तो डिटेल्स आपको बता दिया आइसलैंड में कैसे आपको कंपनी खोलना है, और पूरे जो कॉरपोरेट टैक्स है 20%, ठीक है, आपको जितने कंपनी खोलोगे कॉरपोरेट टैक्स है 20%, आप ईयरली जितने कमाओगे जितने पैसा आप कमाओगे उसका प्रॉफिट से 20% आपको गवर्नमेंट ऑफ आइसलैंड को देना पड़ेगा एज ए कॉरपोरेट टैक्स। और इनकम टैक्स अलग है, इनकम टैक्स अलग अलग वहाँ पर है, 10, 13, 15 अलग अलग इनकम टैक्स है, वो इनकम टैक्स अलग आपको देना पड़ेगा, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज जिसका आपको बता दिया, टूरिज्म सेक्टर आगे बढ़ रहा है, मिलियंस ऑफ टूरिस्ट वर्ल्ड वाइड आइसलैंड आ रहे हैं, तो टूरिज्म सेक्टर में आप अच्छे पैसा बना सकते हो। सेकंड में हो गया फिशिंग, अगर आपके पास लार्ज इन्वेस्टमेंट है खुद का शिप मच्छी पकड़ने के लिए, फिशिंग जो बोट होता है, फिशिंग बोट वगैरह आप खरीद कर वहाँ फिर लोगों को नौकरी में रखकर फिशिंग करके सेल कर सकते हो, फिश या एक्सपोर्ट कर सकते हो, आपको अच्छा पैसा मिलेगा। और फैक्ट्रीज वगैरह बायोटेक टेक्नोलॉजी फैक्ट्रीज स्टार्ट कर सकते हो, होटल्स मोटेल्स या आप स्टार्ट कर सकते हो, गेस्ट हाउस हॉस्टल या इंडियन रेस्टोरेंट्स, इंडियन रेस्टोरेंट्स का काफ़ी वहाँ पर पॉपुलर है, वर्ल्ड वाइड लोग वहाँ पर आते हैं, इसलिए इंडियन रेस्टोरेंट में अच्छा बहुत सारे खुल चुका है वहाँ का राजधानी में, तो इंडियन रेस्टोरेंट में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो आने वाले दिनों में मैं और एक वीडियो बनाऊंगा, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज इन आइसलैंड, हाउ टू इन्वेस्ट इन आइसलैंड। तो फिलहाल ये वीडियो में बता दिया कंपनी फॉर्मेशन इन आइसलैंड, अगर आप आइसलैंड में कंपनी फॉर्मेशन करना चाहते हो, खुद का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, तो आपके पास दो ऑप्शन है। आप गूगल में सर्च करिए द लिस्ट ऑफ लॉ फर्म्स, लिस्ट ऑफ लॉयर्स इन आइसलैंड, अगर गूगल में आपको बहुत सारे लॉ फर्म दिखाई देंगे, या नॉर्वे में कंसल्टेंट को कॉन्टैक्ट करिए, नॉर्वेजियन लॉ फर्म को कॉन्टैक्ट करिए, वो आपको मदद करेंगे आइसलैंड में कंपनी रजिस्ट्रेशन करने के लिए और आपको वीज़ा फैसिलिटीज़ और बाकी सारे फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने के लिए। नॉर्वेजियन कंसल्टेंट, नॉर्वेजियन लॉयर्स या आइसलैंडिक लॉयर्स या आइसलैंडिक कंसल्टेंट्स आपको मदद करेंगे इसके लिए, और आपको चार्ज करेंगे $10,000 से लेकर $20,000 आपको चार्ज करेंगे, जितने सारे कंपनी फॉर्मेशन आपको बता दिया। काफ़ी एक्सपेंसिव है आइसलैंड, तो अगर आप 10,000, 15,000, 20,000 खर्चा आ जाता है खाली उनका जो कंपनी फॉर्मेशन के लिए, क्योंकि लॉयर्स जो होते हैं आपको आवरली हिसाब से चार्ज करेंगे, जितने घंटे काम करेंगे उतने घंटे वो चार्ज करेंगे आपको। तो इसलिए नॉर्मली 8,000, 10,000 से लेकर 15,000, 20,000 यूरो खर्चा हो जाता है, डिपेंड करता है किस टाइप का लॉ फर्म को आप हायर करते हो। छोटे लॉ फर्म को अगर हायर करते हो तो 8-10,000 यूरो खर्चा आ जाता है, अगर बड़े लॉ फर्म को हायर करते हो तो $20,000 तो खर्चा आ जाता है, कंपनी फॉर्मेशन वीज़ा एप्लीकेशन वगैरह पूरा खर्चा आ जाता है। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप कोई भी लॉ फर्म्स, कोई भी कंसल्टेंट्स इन आइसलैंड या नॉर्वे में आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर आपको हमारा सर्विस चाहिए तो आप हमें कॉन्टैक्ट करिए, मुझे कॉन्टैक्ट करिए, मैं आपको मदद करूँगा आइसलैंड में कंपनी फॉर्मेशन के लिए, कंपनी सेटअप के लिए, या कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो इन आइसलैंड, मैं आपको मदद करूँगा थ्रू आवर कंपनी ट्यूब्रोज कॉरपोरेशन। तो मैं आपको डिटेल्स बता दिया आइसलैंड में क्या क्या बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ है और कैसे आप कंपनी फॉर्मेशन करोगे, मैं आपको डिटेल्स बता दिया। अगर आइसलैंड में कंपनी फॉर्मेशन करना चाहते हो, बिजनेस सेटअप करना चाहते हो, कोई भी बिजनेस आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो या कोई भी लॉ फर्म से आइसलैंड में कॉन्टैक्ट कर सकते हो। मैं आशा करता हूँ हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि आने वाले काफ़ी सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मैं आपके लिए ला सकूँ। तब तक के लिए विदा लेता हूँ, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।